मैं मौजूद हूँ विक्रमगंज के नुनहर पंचायत में, और अभी यहाँ जैसे कि बिहार सरकार द्वारा बिहार के सभी पंचायतों में जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। जन संवाद कार्यक्रम में जनता से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को समाधान करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सरकार की ये एक मुहिम है जो जोरों शोरों पर चल रही है। अभी यहाँ पर मैं जानने का प्रयास करूँगा कि किन किन समस्याओं का समाधान यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे अंदर कि मैं तस्वीरें दिखाने का भी प्रयास करूंगा। अंदर तमाम के टेबल लगे हुए हैं जिस टेबल पर कर्मी बैठे हुए हैं, और सभी प्रकार के कर्मी बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मी हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मी हैं, मनरेगा से जुड़े हुए एवं तमाम तरह के कर्मी बैठे हुए हैं। मैं सभी से बारी बारी से जानने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंटर इस तरफ भी लगा हुआ है, दोनों तरफ काउंटर लगा हुआ है, और इस काउंटर पर जनता के समस्याओं को सुनने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर सांख्यिकी विभाग, कृषि विभाग, श्रम संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग, पीएचईडी विभाग, पंचायती राज विभाग, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग विभाग एवं मनरेगा विभाग, जीविका विभाग, परवरिश योजना, ICDS विभाग, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, और अंदर की भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। इसी तरह से अंदर भी काउंटर लगे हुए हैं जिन पर तमाम तरह की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री का ये जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत ये सारे कर्मी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तमाम पंचायतों में ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी ये नोनहर में ये कार्यक्रम चल रहा है और नोनहर में ये कर्मी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार दीपांकर, प्रखंड सांकी पदाधिकारी। यहाँ पर किस प्रकार की समस्याओं का समाधान आप करने का प्रयास कर रहे हैं? जन्म मृत्यु निबंधन हमारा विभाग करता है, और 21 दिन के अंदर जन्म और मृत्यु की घटना का निबंधन निःशुल्क किया जाता है, और उसके बाद की घटनाओं का निबंधन विलम्ब शुल्क को लेकर किया जाता है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? 21 दिन की घटनाओं के लिए जो आवेदन है प्रॉपरली भरा होना चाहिए, आवेदक का सिग्नेचर होना चाहिए जो उसके घर के बड़े सदस्य हों, और आवेदक से जो जिनके लिए वो आवेदन कर रहे हैं उसका संबंध ये संसूचित करने वाला डॉक्यूमेंट लगा हुआ होना चाहिए, और ये मुखिया, आंगनवाड़ी सेविका या पंचायत सचिव या सरपंच या चौकीदार, इसका सत्यापन होना चाहिए। अधिसूचक हैं ये लोग सत्यापित करके देंगे तो 21 दिन के अंदर जन्म या मृत्यु की घटना जो हमारे क्षेत्र में घटित हुई है उसका हम निबंधन करते हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है तो सिर्फ इसी पंचायत में आप लोग आते हैं कि तमाम विक्रमगंज प्रखंड के सभी पंचायतों में जाते हैं? निकला रोस्टर निकला हुआ है DM सर के यहाँ से, हर एक बुधवार और बृहस्पतिवार को ये कार्यक्रम पंचायतवार ये होगा, और बाकी के समय में प्रखंड में होगा। अभी हमारे साथ कृषि विभाग के एक कर्मी जुड़ चुके हैं। क्या नाम? मोहम्मद जावेद। यहाँ पर किस प्रकार के कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान? PM किसान निधि है, यांत्रिकरण है, उसके बाद NPCI है, EKYC है, सारे समस्या का निदान यहाँ पर, सारे किसान से संबंधित जितनी भी समस्या है उसका निदान के लिए हम लोग। यदि PM किसान योजना किसी को नहीं मिल पा रहा है और वो योग्य है तो उसको क्या क्या करना होगा? उसको ऑनलाइन कराते हैं, पहले ऑनलाइन कराने के बाद उसको फॉरवर्ड करते हैं हम लोग, जो योग होगा उसको दिया जाता है। क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए? जमीन के मलगुजारी रसीद चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बस यही सब चाहिए और कुछ नहीं। किसान से संबंधित सारी योजना भी चल रहा है, योजना का विस्तृत जानकारी भी हम लोग दे रहे हैं, जैसे बीज वितरण है,
यांत्रिकरण है, इस सब के लिए भी जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को आज सिर्फ रखा गया है, यदि कोई आज नहीं आ पाता है वो दूसरे दिन पहुंचते हैं तो फिर कहां पे समाधान है? प्रखंड कृषि कार्यालय है। हाँ, प्रखंड कृषि कार्यालय से सारी समस्या का निदान किया जाता है हमेशा के लिए, नहीं कि आज लोगों के साथ कहीं वहां पे कोई दुर्व्यवहार नहीं ना किया जाता। नहीं नहीं, हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम तीसरे जो यहाँ पर काउंटर जो लगाया गया है श्रम संसाधन विभाग का, हमारे साथ कर्मी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय। जी, मैं रितेश कुमार, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी विक्रमगंज। यहाँ पर किस प्रकार के समस्याओं का समाधान किया जाए? यहाँ पर लेबर से संबंधित जो भी समस्या है, जैसे किसी का बकाया मजदूरी है, काम करवा के पैसा नहीं दिया है, तो उस तरह के समस्या और बहुत सारी योजनाओं भी चल रहा है, तो उस तरह के समस्या का निदान किया जा रहा है। जो पैक्स होता है, सहकारिता विभाग जिसे कहते हैं, सहकारिता विभाग का एक कर्मी मौजूद है, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद असगर अली है, मैं इस प्रखंड का कार्यपालक सहायक हूँ। यहाँ पर अभी जैसे कि इस विभाग से जुड़ी हुई किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास है? यहाँ पे जो भी पैक्स रिलेटेड काम है, जैसे कि मान लीजिए MSP पे धान को पैक्सों द्वारा खरीदारी किया जाता है, जो कि 24 के वित्तीय वर्ष के ये है खरीदारी शुरू है, और उसमें MSP सरकार द्वारा निर्धारित है कि 2183 रुपया पर कुंटल, जो कि स्वयं किसान ही उसका लाभ उठा पाते हैं। जैसे हमारे पैक्सों में पोर्टल पे DBT के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन की व्यवस्था है, उसके माध्यम से किसान स्वयं ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद 15 नवंबर से यहाँ पे धान अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेंट की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे वैसे किसान हैं जो पैक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, नहीं जुड़ पाए हैं, तो उन लोगों को जुड़ने के लिए क्या करना है? उन लोगों के लिए जो भी है गवर्नमेंट है, उसके लिए जो पोर्टल ओपन है वो 365 दिन ही ऑलवेज खुला रहता है पोर्टल, उससे स्वयं जाकर अपना किसान जो भी है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और जो समस्या जो उसके साथ क्रिएट होगा, तो उसके लिए अनुमंडल स्तर पे ARCS कार्यालय भी है, वहाँ पे अपना समस्या को लेकर आएंगे, वहाँ सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई चार्ज भी देना पड़ता है? नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं, शुल्क ही है। यस। और अभी आप देख पा रहे होंगे जो नल जल योजना बिहार में चल रहा है, उसी को लेकर के यहाँ पर PHED विभाग भी मौजूद है, तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। माता जी थोड़ा हट जाइए, किनारे हो जाइए। PHED विभाग है और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या नाम है सर? मेरा नाम राजन कुमार है, PHED विभाग से हम हैं जी। यहाँ पर कौन कौन से समस्याओं का? नल जल योजना से संबंधित शिकायतों का निष्पादन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि बिहार में अधिकतर देखा जा रहा है कि नल जल योजना से जुड़ी हुई समस्याएं सामने आती रहती है। अभी यहाँ पर कितनी समस्या है? अभी तक तो लिखित में कोई समस्या नहीं आया है, मौखिक से कुछ कुछ आया है, जिसका मौखिक स्तर से उसका समाधान हम लोग कर रहे हैं, और बाकी अगर लिखित में कोई समस्या आता है तो हम उसके जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे, वो उसको देखेंगे, यथासंभव उसका समाधान किया जाएगा। अच्छा, जैसे कि किस किस प्रकार की समस्याओं का समाधान? पानी नहीं पहुँचने का, और कुछ वैसे PRD की योजनाएँ हैं, यानी कि कहीं पे पाइप फट गया है, या फिर टंकी प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पे है कि किसी का घर ऊंचाई पे बना हुआ है, वहाँ पे पानी पहुँच नहीं पा रहा है, तो उस तरह की शिकायतें जो आ रही है और उसका यथासंभव हम लोग समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पंचायती राज विभाग के एक कर्मी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है अभी आपका? नाम क्या? राजीव रंजन कुमार। पंचायती राज विभाग से जी। इस पद पे अभी तो हम अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट। अच्छा, यहाँ पे किस प्रकार के समस्या? यहाँ पे नाली गली से संबंधित कोई भी समस्या हो वही लिया जा रहा है आवेदन उसका। अच्छा, आप तक कितना कम्प्लेन आ चुका है? अभी तक तो दो आया है बस। क्या लगता है कि ये जो कम्प्लेन आया समाधान? हाँ जरूर, कहे नहीं समाधान होगा, इसीलिए ना हम लोग बैठे हैं। कि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग विभाग जो पेंशन से जुड़ी हुई है, हालांकि इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मैं दुर्गवीय सिंह, सामाजिक सुरक्षा कोषांग विक्रमगंज में है। आज ये शिविर लगा है, जैसे DM सर का आदेश है, तो इसमें जितना भी पेंशन है, 6 किस्म का पेंशन होता है, विधवा, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जितने पारिवारिक लाभ, उसके बाद कबीर अंत्योष्टि का, ये सब जितना भी पेंशन है उसका समाधान आज
फिर हम फॉर्म लिया जा रहा है, सब समाधान होगा आज। अच्छा सर, अगर हकीकत में देखा जाए तो क्या लगता है कि ये एक दिन के ये कार्यक्रम में संभव हो पाएगा? एकदम संभव आज नहीं होगा, इसको फॉर्म इकट्ठा करके सब समाधान के ब्लॉक में कर दिया जाएगा। इसलिए कि यहाँ जितना भी फॉर्म इकट्ठा हो रहा है, इसका डीएम सर के पास से कितना आया है, कितना सॉल्व हुआ है, टोटल रिकॉर्ड जाएगा जिला में। अच्छा, जो लोग आज नहीं पहुँच पाएंगे उनके लिए क्या किस प्रकार की समस्याओं का? तो उसके लिए ब्लॉक पे आए, ब्लॉक पे आएंगे तो एकदम समाधान होगा। हम कल्याण विभाग के विकास मित्र हैं, हम गरीब सत्येंद्र कुमार राम नूनहर पंचायत के विकास मित्र हैं। हम कल गरीब आदमी को जो परसवान जाति है, जो भी एस सी जात का, हम उसको सब राशन कार्ड चाहे कन्या ब्याह के चाहे आवास के लिए काम हम दिलवाते हैं। यानी एस सी समुदाय के लोगों को? हाँ, लाभ सब टोटल दिलवाते हैं। हम विकास मित्र हैं। आज कार्यक्रम रखा गया है, सिर्फ आज ही इसका समाधान किया जा रहा है कि गांव में घूम घूम कर कभी किया? हाँ, कल हम घूम घूम कर सर्वे किए थे, अभी नाम लिखे हैं 180 आदमी के। आज कितने लोगों का समाधान किया? हम आज किए हैं करीब 50-55 लोग कर दिए। हाँ हाँ, अपने तरफ से एस सी एस टी का गरीब आदमी सफल कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर किस विभाग से? मैं शिक्षा विभाग, हाँ, बीओ कार्यालय बिक्रमगंज से हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद सिंह है, मैं बीआरपी हूँ। शिक्षा विभाग में किस किस प्रकार की अभी सरकार द्वारा नई नई योजनाएं खुला? अभी जो नया योजना खुला है उसमें है जैसे चापाकल की व्यवस्था करना, भवन का निर्माण करना, हाता का निर्माण, चार दीवारी का निर्माण करना, ये सब हाँ व्यवस्था हो रहा है। जिला से हम लोग यहाँ से अपने प्रखंड से लिखित भेजे हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमगंज से, आरबीएस के एमओ है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से हैं, स्वास्थ्य विभाग से किस किस समस्याओं को जुड़ी हुई यहाँ पे समाधान किया जा रहा है? यहाँ स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अगर किसी की कोई भी समस्या है तो उसके बारे में यहाँ समाधान किया जा रहा है। जैसे कुछ लोग जानना चाहे कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, उसके बारे में जानकारी दी गई। अभी वर्तमान में अभी यहाँ पर कितने वैसे समस्याएं आ चुकी हैं? 4-5 लोग आए हैं। आयुष्मान से जुड़े, आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी लेने के लिए। जी सर, आप किस विभाग से? हम लोग मनरेगा विभाग से। क्योंकि मनरेगा विभाग से जितने भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान यहाँ पर किया जाए। देखिए, जन कल्याण शिविर आज है, हम लोग मनरेगा से दो कर्मी यहाँ पर भी उपस्थित हैं, ये पंचायत तकनीकी सहायक हुए श्रीवास्तव जी, और हम इस पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक हुए, सुरेश कुमार मेरा नाम है जी, इस पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक हुए। पंचायत में किस प्रकार की अभी समस्याओं का समाधान? यहाँ भी समस्याएं मनरेगा से संबंधित समस्याएं का निराकरण भी किया जा रहा है, जो समस्या आ रहा है। समस्या में जैसे जॉब कार्ड बनवाने के लिए, उसके बाद कुछ लोगों का खाता में जो है पैसा शो नहीं कर रहा है, उसका निराकरण किया जा रहा है। यानी कि लोगों के जितने भी समस्या मनरेगा से जुड़ी हुई सभी समस्या, हाँ, सभी समस्याओं का यहाँ से निष्पादन किया जा रहा है। जो समस्या मेरे पास आ रही है उसको निष्पादन किया जा रहा है। अब तक यहाँ पर कितने समस्याओं का समाधान? अभी हम 5 समस्या का निदान किए। जो लोग अभी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे उनके लिए किस प्रकार का समाधान? हम घर घर जा कर के, हमारा जो है 3 नंबर या 4 नंबर वार्ड में मेरा ड्यूटी लगा हुआ था, मैं डोर टू डोर जा कर के सर्वे किया हूँ, और मैं मनरेगा भवन पर सप्ताह में 3 दिन बैठता हूँ। जो भी संबंधित समस्या है वहाँ पर निराकरण हम बैठ कर के कर देते हैं। मैडम अपना सबसे क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी विक्रमगंज। यहाँ पर किस प्रकार के समस्याओं का जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग के विभाग की तरफ से जो भी योजनाएं जन कल्याणकारी चल रही हैं उससे कोई भी जो लाभार्थी है वो वंचित ना रहे। तो इसी क्रम में हम लोग का ICDS विभाग के द्वारा मुख्यतः 3 तरह की योजनाएँ चलाई जाती है, एक प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना, दूसरा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तीसरा एक परवरिश योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्रथम गर्भवती और दूसरी बार जिसका बच्ची जन्म ली है
वैसे लोगों को लाभ दिया जाता है। प्रथम गर्भवती को 5,000 रुपये का लाभ दिया जाता है, दूसरे गर्भवती जो दूसरी लड़की होती है उसको 6,000 रुपये एकमुश्त उसके माँ के खाते में जमा किया जाता है। इसके अलावा प्रथम और दूसरी जो लड़की रहती है जिस भी महिला का, तो उसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 2,000 रुपये उसके माँ के खाते में दिया जाता है। यदि बच्ची 1 साल की हो जाती है और जन्म प्रमाण पत्र बना लेती है, साथ में आधार भी बच्चे का बन जाता है, तो 1 साल से 2 साल के बीच में अगर हम लोग के पास आधार ला के देता है तो 1,000 रुपये उसके खाते में दिया जाता है। अनाथ बच्चों के लिए, HIV पॉजिटिव लोग के लिए तथा कुष्ठ रोगी जिसको ग्रेड 2 का सर्टिफिकेट है, उन लोग के बच्चे के लिए जो कि 18 साल के बच्चे हैं, तो उसे परवरिश योजना का लाभ दिया जाता है। उसमें पर मंथ जो है ज्वाइंट खाता खोलने पर जो अभिभावक उसका परवरिश कर रहे हैं, बच्चे के साथ ज्वाइंट खाता खुलवाया जाता है, तो उन्हें 1,000 रुपया पर मंथ जब तक बच्चे का 18 साल ना हो जाए तब तक उसे लाभ दिया जाता है। हम लोगों के द्वारा अभी फॉर्म लिया ही जा रहा है। 5 अनाथ बच्चे तक यहाँ पर कितना जमा कर चुके हैं? अभी तक 5-6 हमारे अनाथ बच्चे यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसमें से 5 का ही फॉर्म आया है, 1 अभी बुलाया जा रहा है परंतु अभी आ नहीं रहे, बाद में उसे संपर्क किया जाएगा। 5 कन्या उत्थान का फॉर्म आया है और 2 प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का फॉर्म आ चुका है। जो लोग यहाँ पे आज नहीं पहुँच पाएंगे उनके लिए किस प्रकार का? जो नहीं पहुँच पाएंगे और हम लोग को जहाँ तक पता चलेगा तो डोर टू डोर वहाँ पर महिला पर्यवेक्षिका जाएगी और वहाँ से आवेदन लेकर के उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी चूंकि सेविका हड़ताल में है इसके कारण थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन पर्यवेक्षिका द्वारा सर्वे किया गया और जहाँ तक हम लोग से संभव हुआ है सबको हम लोग को बुलाया जा रहा है। यहाँ पर स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन विभाग का काउंटर लगा हुआ है, विद्युत विभाग का भी काउंटर लगा हुआ है और हमारे सामने देख पा रहे होंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, खाद्य आपूर्ति विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग काउंटर लगे हुए हैं जिस पर लोगों को समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है? नाम उदय सिंह। किस प्रकार की समस्याओं का समाधान यहाँ? बिजली संबंधी समस्या को समाधान किया जा रहा है यहाँ पर। एक बिजली की जो आम समस्या देखी जाती है कि जितने भी लोग हैं, काफ़ी वैसे गरीब परिवार से लोग हैं जिन पर लाखों का बिजली बिल आ चुका है और कभी कभी गलत रीडिंग का भी आ जाता है, तो इस प्रकार के समस्याओं का कैसे समाधान? जो गलत रीडिंग होगा या गलत बिलिंग होगा उसका सुधार किया जाएगा और जो एक्चुअल होगा उसमें कोई कुछ नहीं होगा। सरकार के जो कर्मी हैं बिजली विभाग के, उनके द्वारा सीधे बिजली काट दिया जाता है जब बिजली बिल बकाया जाता हो? हाँ, ड्यूज के बकाया के ऊपर बिजली कनेक्शन काटा जाता है। इस प्रकार का किस प्रकार से समाधान? 50% जमा करने के बाद फिर उसको रिकनेक्शन किया जाता है। देख पा रहे होंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मी, क्या नाम? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से भी शिविर लगाया गया है जिसमें आधार सीडिंग से लेकर के जमीन से संबंधित जितने भी समस्याएं लोगों को सुना जा रहा है और उनको जो भी लोगों को जागरूकता की कमी है उन लोगों को जागरूक किया जाता है, उनका शिकायत लेकर उनका निवारण किया जाएगा। अभी सरकार द्वारा जो स्कीम चलाया जा रहा है गाँव में जा करके जो राजस्व कर्मचारी हैं वो जा करके जमीन का जो आधार से लिंक कर रहे हैं उसी प्रकार का? हाँ बिल्कुल, जिनका भी आधार से रसीद का जुड़ाव नहीं हुआ है उनको बताया जा रहा है कि उनको कौन कौन सी कागजात की ज़रूरत है और उनसे मांग करके रसीद के साथ साथ आधार और मोबाइल नंबर लेकर के जोड़ दिया जा रहा है और बाकी अन्य समस्या भी उनको बता करके पूछ करके उनका निदान किया जा रहा है। क्या यहाँ पर दाखिल खारिज से भी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, दाखिल खारिज से जो भी जिनका समस्या उत्पन्न हो रहा है उनको जो भी जरूरत कागजात है उनको बता करके और कागज जो भी है उनसे मांग कर करके उनका निपटारा किया जा रहा है। सरकार का ये जन संवाद कार्यक्रम लगभग कितना सफल माना जाए? बिल्कुल सफल है, लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और ये बहुत ही अच्छा सरकार का योजना है। ग्रामीण विकास विभाग से कर्मी मौजूद हैं, कौन है सर? सर सबसे पहले तो परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ राजकुमार सिंह, आवास सहायक नोनहर पंचायत में हूँ। यहाँ पर किस प्रकार के समस्याओं को सुना जा रहा है? अभी जिनके पास घर नहीं है वो लोग आवेदन दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस आवेदन को जांच करने के बाद उनकी वस्तु स्थिति देखा जाएगा, देने लायक होंगे तो उनको आगे नाम जोड़ने के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा। अच्छा, जिनके पास भूमि ही नहीं है घर बनाने के लिए उनका समाधान किस प्रकार? उनका अगर भूमि नहीं है तो आवास में भूमि दिया जाता है, CO साहब के द्वारा भूमि आवंटन होती है, पर्ची मिलती है, उसके बाद उनको दिया जाता है।
अच्छा, एक विशेष कर देखा जा रहा है कि तमाम जो पंचायतों में ऐसा घटनाएं सामने आती रहती है, घुसखोरी का आरोप लगते रहता है। नहीं तो इस टाइप का तो ऐसा तो हम लोग के अथी में नहीं है, पर जो भी हम लोग के सख्त निर्देश है, इस टाइप का कोई भी करता है तो हम लोग को भी सूचित कीजिए, क्योंकि देखिए होता है ना, कर्मचारी के नाम पर दूसरे लोग भी आकर इस टाइप का करने लगते, तो हम लोग खुद कहते हैं उन लोग से कि लाहौक से कि नहीं, आप लोग हम लोग के पास आई इस टाइप का कोई भी सूचना हो तो हम लोग सूचित कीजिए, क्योंकि इसमें विदाउट किसी टाइप किसी तरह से इसमें इस टाइप का काम नहीं होता है। आप अगर सही है, आप वाजिब है, आपका अगर कच्चा मकान है, आप उस लायक है, तो आपको जरूर मिलेगा, किसी के पीछे आप लोग को पड़ना नहीं है। अच्छा, आज आवाज़ से जुड़ी हुई कितने समस्याओं का यहाँ पर समाधान? अभी तो हम लोग आवेदन ले रहे हैं, इसके बाद जांच किया जाएगा, देखा जाएगा उनकी स्थिति, बाकी उनके घर अगर झोपड़ी है कच्ची है। कितने आवेदन आ चुके हैं? आवेदन अभी लोग हम लोग को लग रहा है कि 100 से ऊपर आ गए हैं। 100 से ऊपर आ गए। रवि, आप देख पा रहे होंगे कि ये मुखिया जी का कार्यालय है और अभी हम ऑफिस में आ चुके हैं, यहाँ पर मुखिया जी भी मौजूद हैं और कुछ अन्य भी कर्मी मौजूद हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी को लेकर के इस प्रखंड से, जिला से तमाम जो कर्मी मौजूद हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम प्रकार के समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अभी हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय। हम यहाँ के मार्केटिंग अफसर हुए विक्रमगंज के, और जो समस्या है मुख्य रूप से जो राशन कार्ड का, कि राशन कार्ड नहीं बना है लाभुकों का जी, तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर अभी आवेदन ले रहे हैं और एक सप्ताह के अंदर जो भी योग्य है उनका राशन कार्ड बना दिया जाएगा, निर्गत हो जाएगा। अब तक कितना आवेदन आ चुका है? आवेदन यही 50 का आसपास आया है, अभी आ रहा है धीरे धीरे। तो ये सिर्फ इसी पंचायत के मतलब आप कार्य कर रहे हैं? नोनहर में हो रहा है तो नोनहर ही प्राथमिकता में है, लेकिन और कोई भी पंचायत का अगर आ रहा है आवेदन तो हम उसका भी ले रहे हैं। प्रखंड स्तर कहीं से भी लोग, विक्रमगंज का है तो विक्रमगंज का यहाँ लिया जा रहा है। इसके बाद कहाँ कार्यक्रम होने वाला है? इसके बाद कार्यक्रम बताएंगे। देखिए विपेनो मैडम, राशन कार्ड के नाम पर लोगों को 3,000 लोगों से लिया जा रहा है कर्मियों के द्वारा, उस पर आपकी क्या? देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा जनता को, है ना। अगर जब हम यहाँ बैठे हुए, हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ जो भी आ रहे हैं उनका राशन कार्ड तुरंत वेरीफाई करके दिया जा रहा है, तो जब काम पदाधिकारी से मिलने पर हो जाता है तो लोग क्यों मिलता है दूसरों से, डायरेक्ट कार्यालय में आए, योग्य है तो उनका बन जा रहा है। तो ये जो जागरूकता है ना, वो जनता के स्तर पर ही होनी चाहिए। अगर आप लोग के माध्यम से अगर हो सके तो बताइए लोगों को कि पैसा नहीं लगता है राशन कार्ड बनाने में, किसी को कुछ भी ना दें, सीधे मिलने कार्यालय में। आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि सर द्वारा लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का इसमें पैसा नहीं लगता है, अगर कोई दलाल या कोई मांग रहा है तो एक भी पैसा देने का आवश्यकता नहीं है, ये काम बिल्कुल निःशुल्क होता है। अभी हमारे साथ एक मैडम जुड़ चुकी हैं। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम सलोनी चतुर्वेदी है, BPRO विक्रमगंज। यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, किस किस प्रकार की समस्याओं का समाधान है यहाँ पे? सभी प्रकार, जैसे राशन हुआ, पेंशन हुआ, शिक्षा विभाग का हुआ, मतलब सारे विभाग को यहाँ पे बुला के और जनता के समस्याओं को यहाँ पे आवेदन के रूप में लेके और पूरा किया जा रहा है। क्योंकि प्रखंड स्तर पर ये काम हो रहा है, तो अभी इसके बाद कहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है? इसके बाद घुसिया कला में होने वाला है।